इस डिबेट में आए हुए तमाम उन साथियों को जिन्होंने 9 फरवरी के अटैक के बाद, इस आरएसएस के अटैक के बाद, इस कैंपस के अंदर और इस कैंपस के बाहर इन आरएसएस के लोगों को उनकी औकात बता दी, कि सभी साथियों को मेरा गर्वीर और मेरा सलाम। साथियों, एक बात अपनी बात करने के लिए, बात शुरू करने के लिए बात बोलना चाहता हूँ। जब मैं नॉमिनेशन फाइल किया तो थोड़ा सा निराश था, निराश इस बात को लेकर था कि जिन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उन लोगों के जो गॉड फादर बैठे हुए हैं, उन और लोगों की ताकत मुझे लग रहा ज्यादा है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा निराश होकर बाहर निकल रहा था तो एक साथी मेरे पास आए और मुझे बोले, राहुल भाई 50 रुपए आप अपने पास रखिए, हो सकता है कि आपके संगठन के पास कोई गॉड फादर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, आपका संगठन हो सकता है छोटा है, इसीलिए 50 रुपए रखिए। और गले लगाए कहा कि ये लड़ाई आप लड़िए, मैं उस आदमी को सलाम करना चाहता हूँ जिसे मेरी हिम्मत दिलाई, मैं उस आदमी को सलाम करना चाहता हूँ। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि जो माए कश्मीर में, जो माए आज भी अपने बच्चों की तलाश में है, और जो माए जिनकी आंखों में अपने बच्चों की तलाश है, और इस सरकार इस इन लोगों को पूछ रही है कि मेरे बच्चे कब आ गए, उपस्थित करने के लिए उस सरकार के सामने खड़ी है, उन माओ को मेरा देवी और मैं सलाम करता हूँ। साथियों, मैं मेरी माँ को सलाम करता हूँ साथियों, जिसे नागपुर के कली धूप में अपने सर पर ईटा लेकर मेरे लिए सपना देखा था कि मैं कभी मेरे समाज के लिए, उन दबेतों से समाज के लिए कुछ करूंगा। मेरी मेरी माँ को सलाम करता हूँ। मैं उन एलजीबीटी के लोगों को सलाम करता हूँ जिन्हें समझाया कि हमारे समाज में हेटरोसेक्सुअलिटी क्या होती है और किस तरीके से इस समाज में एक एक सेक्सुअल प्रिविलेज चलता है। मैं उन लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। मैं उन मणिपुरी औरतों का सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने उस आर्मी के खिलाफ, जिन्होंने मनोरमा का रेप किया था, उस आर्मी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, उन मणिपुरी औरतों को सलाम करना चाहता हूँ। मैं सलाम करना चाहता हूँ मेरे पार्टनर को, मेरी उन सारी दोस्तों को जिन्होंने मुझे समझाया कि मैं पेटीआर कैसे हूँ और मेरे पेटीआर की ये कैसे दूर हो सकती है। मैं उन सारी मेरे दोस्तों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पर आने के लिए काबिल बनाया, उन सबको सलाम करना चाहता हूँ। साथियों, लोग कहते हैं कि चुनाव इस दौर में चल रहा है, चुनाव उस दौर में चल रहा है। मैं कहता हूँ चुनाव इस दौर में चल रहा है जहाँ पर इस देश की महिलाएं, इस देश का दलित, इस देश का मुस्लिम, इस देश का ओबीसी, इस देश का हर ऑफिसर सेक्शन आज आरएसएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। चुनाव इस दौर में चालू है साथियों, चुनाव इस दौर में चालू है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो लोग हैं इनको आज इस देश के दलितों ने, इस देश के ओबीसी ने, इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के महिलाओं ने, इस देश के एलजीबीटी के लोगों ने, इस देश के कश्मीर ने बता दिया है कि भाई साहब आपकी ये जो चालाकी है बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है, आपके चालाकी बहुत दिन तक चलने वाली है। और जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि पहला मुक्का उस कम्युनल, उस फासिस्ट फोर्स से अगर कहीं मारेगी तो इस देश की ऑप्रेस औरत मारेगी, इस देश की ऑप्रेस औरत मारेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्हें रोहित को मारा, रोहित का मर्डर किया और उसको आज डिफेंड करते फिर रहे, कहे कि दलित है या ओबीसी है। मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, रोहित चाहे दलित हो या ओबीसी हो, एक बात जान लीजिए, आज इस देश का हर मुस्लिम, हर दलित, हर कश्मीरी, हर आदमी जो प्रोग्रेसिव की बात करता है, जो उसमें बिलीव करता है, वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। चाहे वही दलित हो या तमाम दलित हो, वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। इनके आज साथियों, हमारी मूवमेंट के कारण, आज इस देश में जो प्रोग्रेसिव लगे उनकी मूवमेंट के कारण, आज इनके हाफ चड्डी से फुल पैंट हो चुका है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक बात जान लो, तुम द्रोणाचार्य की औलाद हो, एक बात जान लो, अभी तो तुम फुल पैंट पहन रहे हो, थोड़ा दिन रुक जा, सतरंगी कलर पहनोगे तुमने, थोड़ा दिन रुक जा, तुम्हारी हालत बहुत खस्ता होने वाली है। साथियों, और एक बात हम एक बात कहते हैं, जो ऐसा
बापसा मलिक की बात करता था, जो ऐसा ने निगर सिंदूर के नाम पे और बता रहा था, आज उन्हीं खूनी लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आप जान लीजिए ये गठजोड़ है, ये नंबर का गठजोड़ है, लेकिन एक बात जान लीजिए इस कैंपस का हर प्रोग्रेस स्टूडेंट, हर वो महिला जो जो समझती है कि जेंडर जस्टिस क्या होता है, वो आपके खिलाफ यहाँ पे खड़ी है और इस कैंपस में बहुत खिलाफ मदद करेगी। साथियों हम जानते हैं, ये कहते हैं कि बप्सा को एक मत देना, ये भी आ जाएगा। साथियों गब्बर आ जाएगा तब तक चलेगा। मैं कहता हूँ गब्बर नहीं आएगा इस बार, कबाली आएगा, कबाली अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो हर जो अप्रत्यक्षण जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो महिलाएं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा भाई है, जो गोरखा लैंड से है, जो कश्मीर से है, जो ओबीसी है, हर व्यक्ति साथ में आए, समानता की बात करें, और इस फांसी फर्जी को उखाड़ फेंके। साथियों अगर आप समझेंगे दलित कोई पिछड़ा कोई भी ऑपरेशन, अगर आपको लगता है इक्वलिटी की बात करता है और आपको लगता है वो मार्क्सिस्ट है, तो मैं कहता हूँ हाँ वो मार्क्सिस्ट है, हाँ वो मार्क्सिस्ट है। अगर आपको लगता है कि वो अम्बेडकराइट है, हाँ वो अम्बेडकराइट है। वो हर वो चीज है जो इक्वलिटी की बात कर रहा है, वो समानता की बात कर रहा है। साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिज्म इस देश में हम उनसे डायलॉग नहीं करना चाहते हैं जो फासिस्ट है, जो आईबीपी है, जो आरएसएस है, लेकिन हम उनसे डायलॉग करना चाहते हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। भाई आप प्रोग्रेसिव कहते हैं, जिस कैंपस में आप 4-0 से आए थे उस कैंपस में आज भी उर्दू और अरबी को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान स्टूडेंट की संख्या जो है बाकी सेंटर में ना के बराबर है। आप कैसे प्रोग्रेसिव है। आज भी इस कैंपस में ड्रॉप आउट रेट जो है, एक लड़की अपने गांव से आती है साथियों, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने गांव, अपने कस्बे से चूज के आती है, कहती मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, उसको इस कैंपस से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। मैं कहता हूँ आपके 4-0 के आने से क्या फायदा हो गया उस लड़की को, क्या फायदा हो गया। शर्म कीजिए साथियों, शर्म कीजिए। आप वो लोग हैं जो कभी बापसा मलिक और नंदीग्राम सिंदूर पे वोट मारा करते, लगता है आज बापसा मलिक का खून आपके लिए सफेद हो गया, लगता है बापसा मलिक का आपके लिए खून सफेद हो गया, नंदीग्राम में जिन लोगों का खून बहा वो सफेद हो गया। इस सफाई को देख के ऐसा लग रहा है, एक लाइन याद आ रही है कि भाई जाने कितने दिनों बाद गली में आज चांद निकला, लग रहा है कि भाई एक सीट सेंट्रल का मैंने मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, उस बंगाल में इतने साल राज करने के बावजूद भी जहाँ पे आज दलित आदिवासी मुस्लिम की स्थिति है, वो सत्तर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति पूरे देश में कहीं खराब होगी तो बंगाल के अंदर है। इस कैंपस का हर प्रोग्रेसिव सेक्शन आज आपके खिलाफ खड़ा है और इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ खड़ा है या आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। वो आपको सजा देगा, वो आपको इस बात की देगा जो चित्र लेखा, जो दलित औरत के घर में आपके गुंडे जाते हैं, सीपीएम के गुंडे जाते हैं, सरकार के गुंडे जाते हैं, उसका ऑटो रिक्शा जलाते हैं ये लोग और कहते हैं और उसको मारने की धमकी, उसको रेप की धमकी देती है। मैं कहता हूँ साथियों आप और ऐसा में फर्क नहीं है, ये वही ऐसा है साथियों जो उस रेप विक्टिम को ब्लेम करती है, उस रेप व्यक्ति और एक्यूज से डिफेंड करती है, ये वही ऐसा है। इनका वही रिकॉर्ड है। ये लाल चेहरे में छुपे हुए लालची लोग है, ये लाल चेहरे में छुपे हुए लालची लोग है, इसको समझ लीजिए। और ये जो भगवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बात आप जान लीजिए आज वो दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा धारा था सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए, धारा था सेपरेट सेटलमेंट के लिए। आज मैं यहाँ पे बाबा साहब की बात याद करते हैं, दहाड़ रहे हो आपके सामने इस कैंपस में आज के बाद अगर कोई बात चलेगी तो ऑपरेशन की बात चलेगी तो आप देखते हैं सर्वाधिक फोर्सेस को टाल देगी। पर आपकी कोई बात भी नहीं कर रहता हूँ, आप मुझे लगता है बात करने के लायक भी नहीं है। आप जो भगवान लोग
यहाँ बात करने के लायक नहीं है। मैं यहाँ पे जो बैठी हुई हमारी जो कैंडिडेट है ग्रुप की, उनको पूछना चाहता हूँ, आप बहुत रेप रेप की बात कर रही है, आपको पता है मनुष्य के लिए क्या लिखा है, आपको पता है मनुष्य ने आपके खिलाफ लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी साथी को कि कुछ दिन बाद आप मनुस्फूर्ति पड़ेगी और एबीवीपी को छोड़ के उस प्रोग्रेसिव खेल में शामिल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, दोस्तों आखिरी में अपना हमारा जो मेन एजेंडा है मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। हमारा मेन एजेंडा है कि इस कैंपस में जो ड्रॉप आउट रेट है, उन जो गरीब स्टूडेंट आते हैं और जो गरीब स्टूडेंट अपने गांव, अपनी झोपड़पट्टी, अपने कस्बे से आते हैं, आज भी उनका ड्रॉप आउट रेट इस कैंपस में साइंस और सोशल साइंस दोनों में ज्यादा है। हम भ्रम दावा नहीं करते, हम वादा करते हैं इस ड्रॉप आउट को हम खत्म करेंगे, इस ड्रॉप आउट को हम बंद करेंगे। साथियों आज भी यहाँ पे ओबीसी डिफरेंशियल पॉलिटी दिया गया है, हमने आखिरी बार जब ओबीसी फोरम के साथ ओबीसी डिफरेंशियल पॉलिटी की लड़ाई लड़ी थी, आज उसका नतीजा है कि उसके लिए कमेटी बैठाई गई है। आज उसके लिए इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऑपरेशन के साथ में आएगा तो आपको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। आज हर ऑपरेशन को साथ में आके लड़ने की जिम्मेदारी है और इन अवसरवादी फोर्सेस को और इन भगवान फोर्सेस को हराने की जरूरत है। साथियों हराने की जरूरत है। साथियों हमारा जो मुद्दा है माननीय डिप्रेशन पॉइंट, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर इस कैंपस में माननीय डिप्रेशन पॉइंट नहीं मिला तो इस कैंपस के चारों के चारों गेट बंद किए जाएंगे। इस कैंपस के चारों के चारों गेट बंद, ये वादा है एक ऑपरेस का दूसरे ऑपरेस के लिए, एक वादा है एक ऑपरेस का दूसरे ऑपरेस के लिए। इस कैंपस के चारों के चारों गेट बंद किए जाएंगे अगर यहाँ पर माननीय डिप्रेशन पॉइंट नहीं मिला। साथ ही हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ओर से 0 से लेकर 3 मार्क SC ST ओबीसी मानवीय को दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से नदी का पानी पी के आते हैं, कौन से चक्की का आटा खा के आते हैं कि जिनको 15 से 25 मिलता है और SC ST OBC मानवीय कैंडिडेट को आप 0 से 3 देते हैं, आप कौन से चक्की का आटा खा के देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं साथियों कि JNUSU तब तक प्रोग्रेसिव बनेगा जब तक वो इंसान, वो स्टूडेंट जो अपने गरीबों से जूझ के आता है, एक रिस्पेक्टफुल एडमिशन लेता है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको रिस्पेक्टफुली इस कैंपस से डिग्री लेके बाहर दें। लेकिन इस कैंपस में वो नहीं होता है और ये लोग कहते हैं जो पेरिस टाइम में चल उठता है पत्ता रो उसका नाम है आयसा। मैं कहता हूँ रेप एक्यूज का डिफेंड करने वाले का नाम है आयसा। हमारी दूसरा पॉइंट जो रेशियल ड्रेसिंग इस कैंपस में आया है, रेशियल ड्रेसिंग इस कैंपस के नॉर्थ कश्मीरी और मुसलमान आदिवासी ओबीसी में बैठा है कि वह एंटी नेशनल है, उस रेशियल ड्रेसिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ जाएगी, आपको इस रेशियल ड्रेसिंग से लड़ी जाएगी। इस कैंपस में आज भी उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों हम जानते हैं स्पेशल बनाकर उनके फांसी बनने की जरूरत आती है, क्योंकि सर मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, अपनी बात को खत्म कर सकते होगा कि जब ग्राम जी कहते हैं कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक जब हरियाणा बैठा है और दूसरा जब लाल में बैठा हुआ है।